8 से 10 लाख लोग आते हैं जी। 750 लोग शिव सेवा कर रहे हैं जी। वही कुछ बताइए प्रभु जी, आपको अच्छा लगा? आपके भक्तों को बताइए, हम बहुत सारे भक्त आपसे जुड़े हुए हैं यहाँ। अच्छा लगा आपको जन्माष्टमी? अरे हमें तो बहुत अच्छा लगा। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे। नमस्कार मित्रों, आज हम सब बहुत दिन बाद कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो सिचुएशंस होती हैं कुछ तो उसके अकॉर्डिंग हो। और आज हम जा रहे हैं सेक्टर 34 इस्कॉन टेंपल, जो कि नोएडा में है। यहाँ पे इनका बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन और इनका मैनर है उसको सेलिब्रेट करने का। तो आज आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। क्योंकि इस्कॉन जो है वो एक इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका ये लोग अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी करते हैं ये, और कई सारे देशों में इनका जो है वो इनका जो ये ऑर्गेनाइजेशन ही चलता है। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे इनका क्या तरीका है सेलिब्रेट करने का और क्या यूनिक क्यों है ये इस्कॉन। तो वैसे हम लोग जाते रहते हैं रेगुलरली यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में, इसलिए उन्होंने खुद कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप लोग रेगुलर हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी जो इसका जो हमारा एक सेलिब्रेशन है जन्माष्टमी का उसमें आएँ। तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं आज, और हम अभी नियर बाई मेट्रो पे हैं अपने लोग अपने रूम से। तो बस साथ में बने रहिए और चलते हैं। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे अलग है ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर अभी, क्योंकि ये बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर। ये देखिए हमारे साथ हर्षवर्धन भी हैं, हमारे साथ अभिषेक भी हैं, और ये देखिए बहुत ही बेहतर रूप से इसको डेकोरेट किया गया है। ये देखिए देखिए सिक्योरिटी काफ़ी हाई, ऐसे किसी को एंट्री मिलती नहीं है, लेकिन हम लोग वॉलेंटियर्स में हैं तो हम लोगों को एक पार्टिकुलर आईडी कार्ड दिया गया है। ये अंदर का दृश्य है, विशेष क्रियाएं उनकी कुछ जीवन की वो तो सारी दिखाई गई हैं यहाँ पर। ये सारी उनके जीवन की जो क्रियाएं हैं वो दिखाई। किसी भी प्रकार से हम लोग अभी एकदम टॉप फ्लोर पे हैं, एकदम टॉप पे सामने का दृश्य, और सामने का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। ये बहुत ही ज़्यादा जन समुदाय एकत्रित है यहाँ पर, नहीं कर सकते हैं। हाँ ये देखिए ऊपर हाईवे पर भी देखिए लोग खड़े हैं, एक बार जूम करिए, पूरा हाईवे पूरा एकदम, एक भी थोड़ी सी भी जगह नहीं बची हुई है। और डेकोरेशन की बात हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना अद्भुत हुआ है, बहुत ही बेहतर है। तो चलिए अब चेंज करते हैं, बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब चलते हैं आगे और धीरे चलते हैं आपको। प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा
यहाँ पर जन्माष्टमी है, प्रसाद भी मिला वहाँ पर, कैश करवाए और उसके बाद ये हमने कैश किया है प्रसाद, वो सबके सबके उसमें नहीं होता है, जिसके भाग्य में होता है उसको उसी को मिलता है, सेम में रखा है मैंने ये इधर। अरे पता हरे कृष्णा। तो आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग एकदम टॉप पे पहुंच गए, अभी तो वो तो सेकंड लास्ट था, हम लोग एकदम से टेरेस पे हैं टेंपल के, और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही बेहतर नज़ारा होगा। अभी आप देखिए, आप जो विजुअल्स क्लियर नहीं थे आपको वो अब हो जाएंगे, ये देखिए। क्या दृश्य है, एकदम पूरे मन को प्रफुल्लित कर दे रहा है, श्रद्धा अभी भी बाकी है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इधर से देखिए, एक तरफ से लोगों की एंट्री हो रही है, ये करो भाई लेना तो बढ़िया से पकड़ना है भाई। ये देखिए, एक तरफ से एंट्री हो रही है और सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ टेरेस पे, ये देखिए एकदम ऊपर का आप दिखाइए। हाँ ये देखिए, ये आप और सामने हाईवे है, ओवर ब्रिज है, उसके सामने ये है ऑफिस। हाँ क्या क्या इसके ऊपर क्या सामने NTPC ये देखिए कोई ऑफिस भी सामने है हमें नहीं देखा। और ये देखिए ऊपर से ये जो रोड है कितनी बेहतर दिख रही है यहाँ से। ये देखिए ये साइड व्यू है मंदिर का, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वो जो यहाँ पे आता है तो बहुत ही मन को शांति मिलती है यहाँ पर, और श्रद्धा और सेवा भावना जो यहाँ पे है वो बहुत ही अद्भुत है, भक्तों के लिए जो सेवा भावना यहाँ पे है वो बहुत ही अद्भुत है यहाँ पे है। तो अगर आप कभी भी आते हैं तो नोएडा, तो सेक्टर 34 में ये मंदिर मौजूद है, जहाँ पर हर सैटरडे को या आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे जो है एक यूथ के लिए इन्होंने विशेष रूप से रखा है अपना एक प्रोग्राम, तो वो हमेशा यूथ को जो है, यूथ गुमराह ना होने पाए, यूथ के जो रिलैक्सेशन होता है, यूथ का माइंड आजकल देख रहे हैं आप कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो, तो नीचे का उन्हीं के लिए है ये, जो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, जिनका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो उन सब के लिए हमें हमेशा ये लोग विशेष क्लास चलाते हैं सैटरडे को, तो आप हर सैटरडे को आ सकते हैं, इनका ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को, और बहुत ही हम्बल हैं ये लोग, तो बहुत ही बेहतर है। हम प्रसादम यहाँ मिलता है, प्रसादम भी आप लोगों को मिलेगा जो आएंगे तो, और प्रसादम की व्यवस्था यहाँ पे हो रहती है, जो कि आप समझ सकते हैं प्रसाद मतलब जो हमें फल मिलता है ईश्वर का, वो यहाँ पे उसको प्रसादम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक, ये जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो चिर पुरातन हमारी संस्कृति है भारत की, ये उससे जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये सारे व्यूज़ का आनंद ले रहे होंगे, हम लोग एकदम टॉप पर है, बहुत ऊपर हैं हम लोग अभी, ये पूरे जो टावर्स यहाँ पे वो भी दिख रहे हैं अभी आपको, और लाइट्स देख सकते हैं आप कि कितने ऊपर अभी हम लोग, यहाँ से हाईवे भी एकदम साफ दिख रहा है, हाईवे से भी ऊपर हैं हम लोग। और ये देखिए, अभी हम एकदम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, ये हमारे हर्षवर्धन जी भी हैं, ये हरि बोल। ये हमारे साथ प्रभु जी हैं अभी, कुछ बताइए प्रभु जी, आपको अच्छा लगा, आपके भक्तों को बताइए, बहुत सारे भक्त आपसे जुड़े हुए हैं यहाँ, अच्छा लगा आपको जन्माष्टमी। अरे हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम तो रेगुलर लेके आइए, बिल्कुल मैं वही तो मैं अपने ऑडियंस को ही तो बता रहा हूँ कि यहाँ इतना मतलब बेहतर वो है, इतना 8 से 10 लाख लोग आते हैं जी हाँ, यहाँ जो सेवा भावना है ना वो बहुत ही अद्वितीय है, और ये अपने भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, 750 लोग सिर्फ सेवा कर रहे हैं जी, वही तो सेवा भावना देखिए ना। प्रभु जी हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, वंशीधर प्रभु जी का आदेश है, छत पे कोई ये हमारे साथ प्रभु जी हैं,
वॉलेंटियर्स हैं, हम लोग भी इन्हीं के थ्रू जो है सबसे पहले ये प्रभु जी हमको मिले, इन्होंने बताया इसका, और हमें इन्होंने सबसे पहले दिखाया था एक्सपो, श्री कृष्णा एक्सपो दिखाया था, म्यूजियम उस म्यूजियम को देख कर आते हैं इधर, तो उसमें जरूर एक बार जाइए। उस म्यूजियम को देख कर हमारा पूरा माइंड ही चेंज हो गया, पूरा अपना जीवन जो हम लोग बचपन से लेकर के और अंत तक जो हम लोग के जीवन का पूरा एक सर्कल रहता है वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से उसमें से, और जो रियलिटी होती है पूरे लाइफ की वो उसमें दिखाई गई, जीवन का आखिर में क्या महत्व क्या है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें आपको मिलेगी। जी हाँ, तो वो बहुत ही अद्वितीय था, तभी से हम लोग एकदम जुड़ गए इस कौन से। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी खैर हम लोग भगवान से सब जुड़ेंगे तभी हम आराम से रह सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, भगवान से दूर रह के कोई नहीं आराम से रह सकते। जी बिल्कुल, तो चलिए ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आई एम साइनिंग ऑफ।